जाएंगे। अभी तक तो मुझे वो शायद नहीं लग रहा है, तो मैं मानी जाने तक मोदे से निवेदन करूँगा अगर आता दिन मुझे सरकार साहब से कि सर आप इनका बात सुन कमेटी का, तो ये टास्क फोर्स कमेटी गई आप अपने जिला की तरफ से आप अपने कोर्ट न्यायालय की तरफ से सरकार को प्रशासन के जारी निर्देश करें जो जो मैंने बोले बताए, ताकि कुछ माता पिता से समझाइश करके डोर टू डोर करके हम इसके लिए बच्चों को स्कूल से जोड़ सके, शिक्षा से जोड़े। क्योंकि देखिए साथियों, हमारे जीवन में और हमारे देश में सबसे बड़ी जो मुख्य चीज है, मुख्य चुनौती है, वो है शिक्षा। अगर व्यक्ति शिक्षा और गरीबी की कमी, अगर आप बच्चों को शिक्षा से जोड़ देंगे तो आप गरीबी अपने आप ही मुक्त हो जाए। आप बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े ऑफिसर हो, बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हो या बड़े बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, सब शिक्षा से आगे आज आईएएस ऑफिसर बने हैं, आज आरटीएस बने हैं, आज आईपीएस बने हैं, आज अन्य सेवा में गए हैं, और ये समझ गए हैं कि कोई बात नहीं कि भारत एक अच्छा इंसान तो बने हैं, सच्चा नागरिक तो बने हैं, तो किसी के काम एक सब एक कुछ कुछ में मैं बाइक पर बोलना चाहूंगा। एक टीचर वो है कहा है कि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया जब करता है उसे भगवान की। तो ये जो आश्रम है, अगर आप इसको आप अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं कि जिम्मेदारी से हटके आप कोई बच्चों की हितात में आप जहाँ जरूरी नहीं है कि आप कहीं आप कोटला से मावली से सलूनगंज से 70 किलोमीटर 50 किलोमीटर आप दूर आप उदयपुर शहर में आके काम करें, नहीं बिल्कुल नहीं। आपको जहाँ भी बाल श्रम करता हुआ बच्चा पाए जाए, आपके पड़ोस में हो, आपके एरिया में हो, जहाँ आप निवास करते वहाँ पर हो, तुरंत आप संबंधित विभाग को सूचना दें। आप हमारे जिला से प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर उनसे संपर्क कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं, आप बाल संरक्षण नेटवर्क कमेटी को बता सकते हैं, या आप डायरेक्ट चाइल्ड लाइन को भी बता सकते हैं जो राष्ट्रीय पुलिस फॉर्म सेवा है, या आप कोई भी पुलिस को भी बता सकते हैं, और अगर पुलिस सुनवाई करती तो आप हमें बता सकते हैं। लेकिन ये सब काम तब होगा जब आप लोग अवेयर होंगे, आपके जानकारी जो हम बोल रहे हैं आपको समझ में आएगी, तब जाके काम होगा। तो हमें वही करना है कि हमें किसी के काम आना है और पढ़ाया जैसा आना अपनाना है, तब ये बच्चा सुरक्षित होगा, तब ये बच्चा शिक्षा से जुड़ेगा। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने मुझे आग्रह किया, मैं आयोजन कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया, और मैं माननीय न्यायाधिपति जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करने लगा कि उन्होंने एक मेरे फोन पे मेरे निवेदन को सह स्वीकार किया, और सरकार मुझे ऑनलाइन मीटिंग का राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधिपति जी से आग्रह होने का हमें सहयोग प्रदान करते रहे, और बच्चों की बात में कुछ ऐसा कुछ सरकार निर्देश